आज की रिपोर्ट दिखाने से पहले एक किस्सा बताना चाहता हूँ। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक होती है। इस दौरान महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी होती है और मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो चुकी होती है। संविधान सभा के सदस्य सबसे पहले राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होते हैं। उस श्रद्धांजलि में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपिता ने, बापू ने हम सबको निराशा के अंधेरे से निकाला। 4-5 पंक्तियों की श्रद्धांजलि दी जाती है, कोई भावनात्मक भाषण नहीं। उसके तुरंत बाद सदस्यों से फिर खड़ा होने को कहा जाता है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए श्रद्धांजलि पढ़ी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि जिन्ना अपने मजबूत इरादे और कठोर त्याग से पाकिस्तान बनाने में सफल रहे। इस वक्त उनका गुजर जाना अपूर्णीय क्षति है। हम सीमा पार अपने भाइयों को अपना हार्दिक सहानुभूति भेजते हैं। जिस संविधान सभा ने आजाद भारत के लिए संविधान लिखा, उस संविधान सभा की बैठक में गांधी के साथ जिन्ना को भी श्रद्धांजलि दी गई। क्या कोई इस इतिहास को मिटा सकता है, चाहे जितनी भीड़ ले आए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ ने जिन्ना को कभी आजीवन सदस्य का दर्जा दिया था, ये इतिहास है। नेहरू को भी दिया था और मौलाना आजाद को भी दिया और बहुत लोगों को भी दिया। तस्वीर तो हटाई जा सकती है, लेकिन क्या वो इतिहास मिटा सकता है? क्या वो ये सारे लोग जो भीड़ लेकर गए थे, क्या लाल कृष्ण आडवाणी के पास भी जाएंगे, जो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख सदस्य हैं, जिन्होंने कभी जिन्ना को सेकुलर कहा था? हम इतिहास को इतिहास की तरह क्यों नहीं देख सकते? इसे लेकर इतना हंगामा क्यों होता है? वो भी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की मौजूदगी में एक भीड़ चली आती है। इसी अप्रैल महीने में पाकिस्तान से खबर आई थी कि कुछ लोग इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि जिस शादमान चौराहे पर भगत सिंह को फांसी दी गई, उसका नाम उनके नाम पर कर दिया जाए। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने भी भगत सिंह के नाम पर चौराहे का नाम रखने का प्रस्ताव रखा है। दी न्यूज ने अब लिखा है कि अब लगता है कि पाकिस्तान सरकार का भी रुख बदल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में भगत सिंह के दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगी। उनके फांसी के 87 साल बाद ऐसी प्रदर्शनी लगी जिसमें उनसे जुड़े सारे दस्तावेज दिखाए गए, जेल की लाइब्रेरी कार्ड तक। उधर दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की मूर्ति बनाने लगे और जयंती मनाने लगे। वे जब ये सब करते हैं तो उनकी आलोचना जरूर होती है, मगर कोई भीड़ उन पर हमला करने नहीं जाती। तो इतिहास को आप देखेंगे भीड़ के हिसाब से देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, हिंदू मुस्लिम डिबेट के हिसाब से देखेंगे तो अभी यह मामला यहां रुकने वाला नहीं है। और भी दूसरे टॉपिक आ रहे हैं, खेती, किसानी, रोजगार, पेंशन पर चर्चा ना हो इसलिए टीवी के लिए यह सब पैदा किया जा रहा है। पहले जेएनयू को विवादित किया गया, उसकी जांच वांच का कुछ अता पता नहीं, अब एएमयू को तरह तरह से विवादित किया जा रहा है ताकि टीवी के लिए रोज दो मौलाना आ जाएं, दो आरएसएस के लोग आ जाएं और डिबेट पैदा किया जाए और आप देखते रहिए इस तरह के डिबेट। और अब देखिए ये रिपोर्ट। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, जन भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। बुधवार दोपहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेन गेट से कई युवा जबरन अंदर घुस आए, धमकी भरे नारे लगाते। वो बाबे सैयद गेट से अंदर घुसे और वहाँ मौजूद छात्रों के साथ मारपिटाई खींचतान शुरू कर दी। एमयू के छात्रों ने आरोप लगाया कि ये हिंदू जागरण मंच के लोग थे जो यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग कर रहे थे और उनके निशाने पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे जो मुख्य द्वार से करीब 100 मीटर की दूरी पर थे। हामिद अंसारी को यूनिवर्सिटी छात्र संघ की लाइफ मेंबरशिप दिए जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो अटैक था हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, वो अटैक था हामिद अंसारी साहब के ऊपर। हमारे एक स्टूडेंट ने रोकने की कोशिश की, उसको सीने पे उन्होंने पिस्टल कट्टा लगा दिया और उसके अलावा बहुत हथियार लगा दिया। हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड ने लगाया, उसकी वर्दी फाड़ दी और उसके ऊपर लगा दिया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है और इसको सपोर्ट करने वाले यहाँ के सांसद सतीश गौतम है, जिन्होंने ऑलरेडी कई बार कन्फ्रंटेशन पैदा कर दिया। बाहर से कुछ असामाजिक तत्व ने आके माहौल खराब करने की कोशिश करी और पूरा ये भी मालूम था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब भी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब भी यहाँ पर हैं और शाम को प्रोग्राम है। उससे 2.5 घंटे पहले ऐसी घटना होना अपने आप में बहुत से प्रश्न खड़े करती है। बाहर से आए युवाओं को पुलिस ने जैसे तैसे खदेड़ा और कुछ को पकड़ा भी, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। इसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एएमयू के छात्रों की भीड़ थाने के लिए निकली तो पुलिस ने बीच में ही उन्हें रोकने की कोशिश की। छात्र जब नहीं रुके तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज में करीब 28 छात्र और 13 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 FIR दायर कर ली, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया।
कल ही जो संगठन के कुछ लोग थे, अन्य संगठनों के जिन्होंने विवाद पैदा किया, उनके खिलाफ प्रॉक्टर ने एक एप्लीकेशन दिया था, इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ था, उस पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी जिसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी, उस आधार पर एक मुकदमा कोतवाली इंस्पेक्टर की तहरीर पर कल पंजीकृत किया गया था और उसमें फोटो और वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी यह है कि इस पूरे प्रकरण में बातचीत से हम लोग इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि फाइनली वहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ हम लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसी कार्रवाई हो। दरअसल ये पूरा विवाद अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम की चिट्ठी के बाद शुरू हुआ। एमयू के वाइस चांसलर को लिखी चिट्ठी में उन्होंने मांग की कि मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को यूनिवर्सिटी के अंदर से हटाया जाए, लेकिन वाइस चांसलर कह चुके हैं कि तस्वीर 1938 से यूनिवर्सिटी में लगी है और वो छात्र संघ के आजीवन सदस्य हैं। महात्मा गांधी समेत सभी आजीवन सदस्यों की तस्वीर यूनिवर्सिटी में लगी है। ये एक हिस्टोरिक फोटोग्राफ है जो बहुत जमाने से वहाँ लगी हुई है और ये तो नहीं है कि आज लगी है, तो उसके ऊपर एक इश्यू उठाना ठीक नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ। और वो एक हेरिटेज है वहाँ का, अलीगढ़ का अपना पुरानी यूनिवर्सिटी 100 साल पुरानी है, उसमें अगर कुछ चीजें हैं एज ए ट्रेडिशनल चीज लगी है तो आप उसको सडनली क्यों उठा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन हिंदू जागरण मंच जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग पर अड़ा है। यूनिवर्सिटी में घुसने वाले लोगों में शामिल हिंदू जागरण मंच के नेता सोनू सविता का नाम पुलिस की ओर से FIR में है, लेकिन वो खुलेआम अपनी धमकी दोहरा रहे हैं। हाँ, हम आ गए थे और हमने AMU प्रशासन का पुतला भी दहन किया, क्योंकि जिस जिन्ना की वो खलनायक बना के बैठे हुए हैं वहाँ पे, और जिसकी जो AMU की जमीन है उनको राजा महेंद्र प्रताप जी ने डोनेट किया था, उनका वहाँ दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं है और उन्होंने जिन्ना की तस्वीर को लेके बैठे हुए हैं। ये कल सोनू जी, कल जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उनका ही प्रोग्राम था, ये बात पता थी आपको? नहीं, ये हमें कोई जानकारी नहीं थी इस चीज की कि उनका प्रोग्राम है। इस बीच यूनिवर्सिटी ने इस खबर का भी खंडन किया कि जिन्ना की तस्वीर कुछ देर के लिए उतार दी गई। यूनिवर्सिटी के मुताबिक तस्वीर परंपरा के मुताबिक लगी रहेगी और वो AMU के इतिहास का हिस्सा भी है। कृपया हमारे चैनल को